गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का, वेलकम है। और आज हम लोग बात करने वाले कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 और 4 का एग्जाम प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, एग्जाम का रूटीन टाइम टेबल आ गया है सेमेस्टर 2 एंड 4। अब सेमेस्टर 2 और 4 जो है ये आप लोग का बैकलॉग है। ठीक है, 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता था उसके लिए है, 4 साल वालों के लिए नहीं है। 4 साल वालों को केवल सेमेस्टर 3 का एग्जाम है। ठीक है, 2 साल सेमेस्टर 2 का एग्जाम बाद में होगा, 23-27 वालों का। ये बैकलॉग है, बैकलॉग मतलब जो पहले फेल हो चुके थे, ठीक है, उनको एक मौका दिया गया है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, और ये आपका 2 सेशन का है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट प्रोग्राम ऑफ बीए बीएससी एंड बीकॉम, साथ ही वोकेशनल ऑनर्स जितने हैं उन सभी के लिए, ठीक है, एंड जनरल। और ये आपका 2nd सेमेस्टर का है और नीचे में सेमेस्टर 4 का है। इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे, पहले सेमेस्टर 2 को जानते हैं, फिर आपका सेमेस्टर 4 का जानेंगे। ठीक है, ये सेमेस्टर 4, इनका एग्जाम 30 नवंबर से शुरू है और सेमेस्टर 2 का एग्जाम 29 नवंबर से शुरू है। ठीक है, देखिएगा, बैकलॉग एग्जाम न्यू सिलेबस, और ये जिनका यूनिवर्सिटी रोल नंबर 21-22 से शुरू है, देखिए यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखा होगा आपका 21-22, ठीक है, 21-00 करके या फिर 22-00, ठीक है, तो स्टार्टिंग में 21-22 लिखा है। दैट मीन्स आप इसमें 21-22 सेशन में जिनका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, देखिए, इनका एग्जाम होगा सेमेस्टर 2 का, जो भी फेल हुए हैं वो अपना देके निपटा लीजिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। तो इसमें रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका 2 सेटिंग में एग्जाम होगा। पहला सेटिंग 9 से 12 बजे एग्जाम होगा, 9 से 12 बजे, इसमें आपको 8:30 बजे पहुंचना है एग्जाम से आधा घंटा पहले। वहीं 2nd सेटिंग का जो एग्जाम होगा 1:30 बजे से आपका 4:30 बजे होगा। कितना इसको बड़ा कर लेते हैं, 1:30 बजे से 4:30 बजे, ठीक है, और इसमें आपको पहुंचना है 1 बजे, फर्स्ट सेटिंग 1 बजे आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम शुरू होता है आपका 29/11 यानी 29 नवंबर से। फर्स्ट डे जो रहेगा आपका, देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला CC यानी कि कोर कोर्स थ्योरी, ठीक है, देखिए कोर कोर्स थ्योरी में जितना भी लोग हैं, फिर आपका कोर कोर्स 4 है और कोर कोर्स 3 में इन सभी का एग्जाम। अगर आपका ऑनर्स पेपर हिस्ट्री था या फिर फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, उर्दू, संस्कृत हो, संथाली, कुरमाली, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, ठीक है, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब कि जूलॉजी, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, एस्थेटिक्स, और कॉमर्स में कॉरपोरेट अकाउंटिंग, और वोकेशनल में इन सभी का, जिसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, और आपका इवेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, इन सभी का एग्जाम 29 तारीख को होगा फर्स्ट सेटिंग में। बाकी जितना भी आदमी DSC MIL में फेल किए थे, ठीक है, और चाहे आप आर्ट्स हो कॉमर्स हो, उन दोनों का एग्जाम जो है आपका कब होगा, तो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, उर्दू, होश, संथाली, इनमें से किसी एक भाषा में अगर आप फेल हुए थे तो आपका एग्जाम 29 तारीख 2nd सेटिंग में रहेगा। ठीक है, उसी तरह से कोर पेपर 4 का जितना भी सेमेस्टर कोर पेपर 3 में था, ये कोर पेपर 4 में सब का, उसके बाद एक ही बार देखिए 29 के बाद यहाँ पे 3 को एग्जाम है, और DSC और JEE का पेपर फिर आपका कब है, तो 3 दिसंबर 2nd सेटिंग में। ठीक है, फिर आपका 6 तारीख को है JEE और DSC का पेपर, 6 तारीख, देन आपका 10 तारीख को है, फिर आपका 13 तारीख को और 17 तारीख को, 17 तारीख वाला एग्जाम पे ध्यान देंगे और आपका एडमिट कार्ड अब कहाँ आएगा वो भी जानेंगे, और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन है नीचे में इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले जान लेते हैं ये 17 तारीख वाला एग्जाम, ये सभी आपका लिखने को आएगा, लेकिन ये 17 तारीख का एग्जाम होगा ना, जो लोग AECCE एनवायरमेंटल साइंस में फेल हुए हैं, सच बता रहा हूँ, ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा और इसमें आपको पास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट, पेपर आपका लिखित नहीं, इसमें आपका OMR सीट होगा, OMR सीट में होगा, तथा प्रश्न आपका प्रारूप ऑब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, मैक्सिमम बच्चे इसी में फेल किए हैं मुझे मालूम है, क्योंकि हम लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे थे हम लोग के टाइम में भी बहुत सारा बच्चा इसमें फेल कर गया था। ठीक है, EBS में, AECCE EBS, तो यह पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इसका आपको क्लास करना होगा डेली। ठीक है, डेली क्लास नहीं कीजिएगा तो घर में पढ़ना होगा, और मैं इसका क्लास लूंगा, केवल यही एक सब्जेक्ट है जिसका मैं सेमेस्टर 2 में क्लास लूंगा बैक सेशन का, बाकी सब का अपलोड है ऑलरेडी वीडियो। ठीक है, और इसका भी अपलोड है, बट इसका क्लास लूंगा क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इसको मैं क्लास लेके पार करा दूंगा।
अब देख लेते हैं यहाँ पे कि जो कैंडिडेट, मान लीजिए जब आपने फेल किया था एग्जाम या फिर छूट गया था आपका एग्जाम, उसका रंग अभी दे रहे होंगे, तो उस टाइम अगर आपका इंटरनल में फेल थे ना, तो अभी भी आपको इंटरनल देना होगा और पास करना होगा, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होगा। और अगर आपका जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सपोज दैट किसी का साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है या केमिस्ट्री है, तो आपको प्रैक्टिकल भी जमा करना होगा, ठीक है? तो दोनों देना होगा, इंटरनल प्रैक्टिकल और आपका ये जो एग्जाम दे रहे हैं सेंटर वाला थियोरी का, वो भी तीनों देना होगा, ठीक है? इंटरनल प्रैक्टिकल और थियोरी, समझ गए ना? सेम उसी तरह से डीएससी और जी पेपर का भी हाल है। और आगे देख लेते हैं, तो ये आपका 26 तारीख को साइन हुआ है। अब देखते हैं सेमेस्टर फोर का। तो सेमेस्टर फोर जिनका भी सेशन, देखिए यूनिवर्सिटी रोल नंबर 18, 19 या 20 से शुरू होगा, कितना 18, 19 या 20 से शुरू होगा, उनके लिए बता रहा हूँ। तो उनके लिए सेम रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे और 1 बजे 30 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। कॉर पेपर 8 और डीएससी एमआईएन, ठीक है, ये आपका यहाँ से शुरू होगा। साथ में देखिए आपका जो है यहाँ पे कॉर पेपर 9, ये 4 तारीख को है, ठीक है? जिनका भी कॉर पेपर 9 में फेल हुए थे वो उनका 4 तारीख को है। अगर आप जी या डीएससी में फेल हुए थे तो आपका 4 तारीख सेकेंड सेटिंग को है, ठीक है? इसमें पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स का। आगे देखते हैं, अगर आप कॉर पेपर 10 में फेल हुए हैं तो आपका 7 तारीख को है फिर आपका। और फिर जी एंड डीएससी में अगर आप फेल किए हैं जिसमें हिस्ट्री बॉटनी एंड मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो ये 7 तारीख को है। आगे देखते हैं, तो अगर आप जी यानी जनरल इलेक्टिव और डीएससी पेपर में फेल किए थे, ठीक है, जिसमें आपको होम साइंस, जूलॉजी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, तो ये आपका 11 तारीख को होगा, 11 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। और जी डी एस सी जो लोग सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, बिजनेस मैथमेटिक्स में फेल किए उनका 11 तारीख सेकेंड सेटिंग में होगा, ठीक है? वहीं 14 तारीख को जी डी एस सी फिलोसफी एंड इकोनॉमिक्स का है। और जी डी एस सी पेपर जो लोग हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, उर्दू, संस्कृत हो, संथाली, इनमें से किसी एक भाषा में फेल किए हैं तो उनका 14 तारीख सेकेंड सेटिंग में होगा, ठीक है? डिपेंड करता है कि आप किस में फेल हुए हैं या किस में एबसेंट हुए, वो सब्जेक्ट कहाँ पे है उसी दिन पे एग्जाम होगा। 18 तारीख को फिर होगा एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और जियोग्राफी का, ठीक है? अब बात आता है, यहाँ पर भी एक कॉमन पेपर है, जैसा वहाँ पे सेमेस्टर 2 में एईसीसी ईवीएस का था, उसे ही सेमेस्टर 4 में एक पेपर होता है सैक का पेपर। और सैक पेपर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट को रखा गया है 50 मार्क्स का, ठीक है, फॉर ऑनर्स एंड जनरल कोर्स ऑफ ऑल आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस और वोकेशनल, सभी का एक ही दिन एग्जाम होगा, 18 तारीख सेकेंड सिटिंग सैक पेपर। और मुझे मालूम है सबसे ज्यादा कैंडिडेट इसी में फेल हुए हैं, क्यों? क्योंकि यह पेपर जो है ओमआर होता है। देखिए ओमआर पेपर में फेल क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें आपको ना लिखना नहीं, एक्यूरेसी के साथ आंसर देना होता है, सच लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है? इसलिए आपको यह पढ़ना होगा, और अगर आप इसमें फेल हैं तो इसमें पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन। मैं इसका अपलोड कर दूंगा डेली, मतलब 2 दिन में, 1 दिन में एक वीडियो, 1 दिन 2 दिन छोड़ छोड़ के, ठीक है, 1 दिन एबीएस का डालूंगा, 1 दिन सेक का डालूंगा, तो इसको क्लास में कराऊंगा, बाकी सब का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है? और पहले सभी का सेम सिलेबस था तो उतना कुछ दिक्कत नहीं था, ये सभी आप लिख के पास कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये पेपर आपको ऑब्जेक्टिव होगा, ब्लैक पेन ले जाना होगा और ओएमआर में आंसर करना होगा, ठीक है? अब देख लेते हैं जो लोग इंटरनल में, मतलब आप अभी एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आपको थ्योरी भी देना है, इंटरनल भी देना है और प्रैक्टिकल भी देना है सभी सब्जेक्ट का, ठीक है? फेयर से बनाइए सब कुछ, अच्छा नया मार्क्स लाइए, ज्यादा मार्क्स लाइए और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कीजिए, ठीक है? बाकी ये पेपर मैं तैयारी करा दूंगा, सेक पेपर और एईसीसी ईवीएस का, ठीक है? अब बात होता है हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, तो देखिए आपका एडमिट कार्ड जो है 25 तारीख के बाद ही आएगा, ठीक है, मतलब 24 तारीख के बाद आ जाएगा एडमिट कार्ड, 24 या 25 तक आ जाएगा, ठीक है? अभी नहीं आएगा, अक्टूबर नहीं नवंबर ना, हाँ नवंबर तो आ ही गया, 1 नवंबर है। और इसका पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है मालूम है, एक चीज मैं बता देता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको काम देगा एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से छाप देता है, ठीक है? आप माने या ना माने, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लगा के गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के छाप देता है, ठीक है? 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो 3-4 वो सेट लगा लीजिए और उसका आंसर कर लीजिए, बाकी पढ़ लेना है, ठीक है? सिलेबस वगैरह मैं दिखा दूंगा कहाँ पे सिलेबस है, ओके बाय। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से कैच कर लीजिए, ठीक है?